नमस्कार, स्वागत है आपका सिने आजकल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा चौरसिया। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज 128वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर नेहरू को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के प्रति उनकी 128वीं जयंती पर समादर। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ट्वीट किया, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर देश को शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। पीएम नरेंद्र मोदी के 3 दिवसीय फिलीपींस दौरे का आज आखिरी दिन है। पीएम ने आज आसियान, भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलनों को संबोधित किया। आज आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान विवादास्पद दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में चीन की आक्रामक सैन्य गतिविधियों, उत्तर कोरिया के परमाणु मिसाइल परीक्षणों और क्षेत्रीय सुरक्षा परिवेश जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। आज अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी नीलाम होने वाली है। दाऊद इब्राहिम कास्कर के घर, होटल और गेस्ट हाउस की नीलामी को लेकर काफी गहमागहमी बनी हुई है। राज्य सरकार का रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुंबई के चर्च गेट इलाके में स्थित इंडियन मर्चेंट चैम्बर में बोली लगवाएगा। फिल्म पद्मावती को लेकर महाभारत थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब हरियाणा के मंत्री अनिल विज भी इस विवाद में कूद पड़े हैं। अनिल विज ने कहा कि संजय लीला भंसाली ने न सिर्फ रानी पद्मावती की छवि धूमिल की है, बल्कि सती प्रथा के खिलाफ भारतीय कानून का भी उल्लंघन किया है। लोगों की भावनाओं का ख्याल करते हुए सेंसर बोर्ड को फिल्म पर रोक लगा देनी चाहिए। यूपी के निकाय चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं। योगी ने आज अयोध्या से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की। उन पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन को दोहराने का दबाव है। यही वजह है कि उन्होंने खुद ही निकाय चुनाव की कमान अपने हाथ में ले ली है। गुजरात चुनाव से एन पहले पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल की कथित सीडी सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सूबे के दलित नेता जिग्नेश मेवानी उनके समर्थन में उतर आए हैं। जिग्नेश मेवानी ने ट्वीट पर कहा, भाई हार्दिक, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। सेक्स का अधिकार मूल अधिकार है, इसलिए किसी को भी आपकी निजता का हनन करने का अधिकार नहीं है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 3 बजे सेना की राष्ट्रीय राइफल, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा आतंकियों की तलाशी के लिए अभियान चलाया गया। काफी देर सर्च के बाद सुबह करीब 6 से 7 बजे के बीच आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग की। दिल्ली सरकार ने खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके प्रदूषण से निपटने के उद्देश्य से शहर में पानी का छिड़काव करने के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया का काम करने का आज फैसला किया। पानी के छिड़काव से पार्टिकुलर मैटर की समस्या पर काबू पाया जा सकेगा। पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने कहा कि उन्होंने हवाई छिड़काव की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा देने वाली कंपनी पवन हंस और केंद्र के सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक की। भारत की बहुचर्चित फिल्मी पत्रिका सिने आजकल, नया मगर सबके जुबान पर एक ही नाम, सिने आजकल। विज्ञापन, इंटरव्यू, फिल्म प्रमोशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संपर्क करें सी हेक मीडिया। मोबाइल नंबर 9350816300। ईमेल आईडी है cineaajkalindia@gmail.com। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी दरों में कमी के बारे में विपक्षी दल कांग्रेस के दावे को खारिज करते हुए कहा, उक्त दरों को युक्ति संगत बनाए जाने का काम 3-4 महीने से चल रहा था, इसे किसी चुनाव या किसी राजनीतिक मांग से जोड़ना बचकानी राजनीति है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि निर्भया गैंगरेप में सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में चारों दोषियों की पुनर्विचार याचिकाओं पर अगले महीने सुनवाई होगी। बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने चारों दोषियों की मौत की सजा को बरकरार रखा था। दोषियों ने न्यायालय से अपने उस आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या को मानवता पर एक हमला करार दिया और कहा कि उनकी सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि दोषियों को न्याय के दायरे में लाया जाए। सिद्धारमैया ने कहा कि सरकार हत्या के पीछे मौजूद लोगों का पता लगाने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की अपनी कोशिशों में ईमानदार है। प्रवर्तन निदेशालय ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव से धन शोधन के एक मामले में पूछताछ की। तेजस्वी से ये पूछताछ 2006 में आईआरसीटीसी होटल के रखरखाव अनुबंध मामले की जांच के संबंध में की गई। कुवैत के इतिहास में पहली बार आए भूकंप ने लोगों के दिल को झकझोर कर रख दिया। लोगों की माने तो कुवैत में ये पहली बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि इस भयानक भूकंप में भी कुवैत में किसी तरह की कोई हानि नहीं पहुंची। भूकंप की तीव्रता 7.4 मापी गई और इसका केंद्र इराक के सुमेलिया बना रहा।
युवराज सिंह ने पिछले दिनों इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। उस वीडियो में बल्ले को बिना छुए निकली गेंद पर अंपायर ने बल्लेबाज को आउट दे दिया। गेंद और बल्ले में जब मुलाकात ही नहीं हुई तो आउट कैसे, सोशल मीडिया पर ये सवाल उठने लगे। विपक्षी टीम ने आउट की अपील भी नहीं की और अंपायर ने आउट कैसे दिया। दरअसल ये 2007 में खेले गए एक प्रदर्शनी मैच का वीडियो है। उस मैच की शर्त ये थी कि अगर किसी ओवर की ऐसी दो गेंदें जो खेली जा सकती थी लेकिन बल्लेबाज बिना कोई शॉट खेले उन गेंदों को छोड़ देता तो अंपायर उस बैट्समैन को आउट दे सकता है। हमराही फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म कब होई सैया से मिलनवा हमार की एडिटिंग शुरू हो गई है। अब ये पोस्ट प्रोडक्शन के फेज में है। ये जानकारी फिल्म के निर्माता वरुण पांडे और शशि प्रकाश ने दी है। उन्होंने कहा कि ये फिल्म आप अपने सब परिवार के साथ देख सकते हैं। इस बेहतरीन फिल्म में एक ऐसी लड़की की कहानी दिखेगी जो एक अमीर लड़के से प्यार करती है और ये बात उसके पिता को पता चल जाता है। फिल्म में प्रदीप हमराही और अभिलाषा के अलावा गोपाल राय, अनीता सिंह, नीरज बादशाह, प्रिया राजपूत, आर के गोस्वामी, आर आर भोजपुरी, हामिद अंसारी और शशि प्रकाश हैं। फिल्म के प्रचारक राजू कुमार हैं, जबकि इस फिल्म में एक्शन प्रदीप खगड़ा का है। छायांकन बबलू शोएब और फिल्म के सह निर्माता रामजी सिंह यादव और सभी सुनार हैं। फिल्म पद्मावती की आलोचना करने वाले लोगों पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा, पद्मावती विवाद आज राजस्थानी महिलाओं की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने का एक मौका है, न कि 6 शताब्दी पुरानी महारानियों पर ध्यान केंद्रित करने का। राजस्थान की महिला की साक्षरता दर सबसे कम है, शिक्षा घूंघट से ज्यादा जरूरी है। फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देश ही नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हाँ, तो देखते रहिए CM इंडिया TV, खबरों की हकीकत मनोरंजन के साथ।